वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो हैं लेक्चर नंबर 18। अब लेक्चर नंबर 18 से आपकी लर्निंग टेंस वाइज स्टार्ट हो रही है। अभी तक जो नॉलेज आपको दिया जा रहा था वो था किस तरह से हम उस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, क्या पहचान होती है। लेकिन आज हम सबसे पहले इस टेंस के अंदर जाएंगे, यानी कि जो 12 टेंस होते हैं उनमें से सबसे पहला टेंस हमारा है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आज से इसको सिंपल प्रेजेंट बोलूँगा। और आप भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बोलने की हैबिट डालें। बाकी तो सभी वैसे ही बोलने हैं, लेकिन जो इनिशियल जो होगा उसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से आपको बोलना है। तो सिंपल का मतलब क्या हो गया? सिंपल मतलब हो गया सामान्य, और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और टेंस मतलब काल। तो कितना इजी वे, आप देखिए इसमें जो हमारी कैटेगरी है टाइप वन, वो टाइप वन आज हम सीखने वाले। टाइप वन कहें तो सकारात्मक होता है। टाइप वन का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। जब भी मैं आपको टाइप वन बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं सकारात्मक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर आप इसको अफर्मेटिव ना बोलें तो इसको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का टाइप वन। अब ये टाइप वन यानी कि क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, यानी कि जिसमें नॉट भी नहीं होता है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। का अफर्मेटिव का हो या सिंपल सेंटेंस। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, वो परिभाषा और उदाहरण क्या क्या है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पुराने जो लॉकडाउन के टाइम जो सिंपल प्रेजेंट एक्सप्लेन कर रखा उसको भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो डबल टिक में क्लियर हो जाएगा। इस वे से और उस वे से दोनों तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लॉकडाउन के टाइम जो सिंपल प्रेजेंट आपको समझाया था पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, और अभी जो है ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूजेस करके बताया हुआ है। तो पुराना भी आप देख सकते हैं लेक्चर में जाके, यूट्यूब पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन लेक्चर्स में जाके, और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक लेक्चर्स इसमें ये डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं। अभी किसी ने पूछा सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा? तो मुझे पता तो होना चाहिए। देखो, वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हुई या अधूरी रही इसका पता नहीं चलता। बहुत ही अच्छी बात इसमें कही है। अभी हाल फिलहाल में, वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई भी काम हुआ है या अधूरा रहा इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिर्फ इसका उल्लेख होता है, यानी कि केवल मेंशन होता है, लेकिन पता नहीं होता है कि ये कब हुआ है और उसके बाद पूरा हुआ या अधूरा रहा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ इसका उल्लेख होता है। जैसे उदाहरण है, उदय आम खाता है। सेंटेंस हमारा है
उदय आम खाता है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं कि उदय आम खाता है, इसका मतलब ये आम खाने की जो क्रिया है, आम खाने का जो काम है, वो पूरा हुआ या अधूरा रहा, इसका पता नहीं चलता या इसका पता चल ही नहीं रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, इस वाक्य में आम खाने की क्रिया पूरी हुई या अधूरी रही, इसका पता नहीं चलता। खा रहा है, खाया है, खाया था, खाएगा, सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब अनुत्तरित रहते हैं, यानी कि मिलते नहीं हैं। इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे। जैसे आपने कहा कि उदय आम खाता है, खा रहा है, खाया है, खाता है, खाएगा, ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। इसलिए उदय आम खाता है ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य हैं, ये सामान्य वर्तमान काल का यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लड़के खेलते हैं, वह क्लास जाती है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। अब आप तो सिंपली ये ध्यान रखो कि ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के कुछ भी शब्द पीछे आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पहचान पता होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है। फिर से देख लो, इसमें लाइन भी बताइए कि हिंदी के इस टेंस की पहचान, क्रिया का लास्ट वर्ड क्या होगा? क्रिया का लास्ट वर्ड याद रखेंगे ता, ती, ते होता है, और ये ता, ती, ते मतलब तो क्या हो गया, सिंपल है, और लास्ट में हे, हो, हैं, हैं, इस तरह के शब्द आए तो ये प्रेजेंट का इंडिकेशन है। तो ये टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। ता, ती, ते में सिंपल और हैं से प्रेजेंट। अभी आप इन सेंटेंस को देखो, इन सेंटेंस में आपको समझाता हूँ क्या आ रहा है। ता, ती मतलब सिंपल, हूँ मतलब प्रेजेंट, ते मतलब सिंपल, हे मतलब प्रेजेंट, ता, ती सिंपल, है प्रेजेंट, ते सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इस तरह से आपको इसकी पहचान करनी है। ता, ती, ते दिख रहा है और है मतलब वो सिंपल प्रेजेंट का है। अब सिंपल प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं टाइप वन कहें तो टाइप वन कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता और नहीं शब्द भी नहीं होता है, वो सिंपल प्रेजेंट है। समझ में आ गया बेटा आपको, सभी को? वन में कम्युनिकेशन हो रहा है, बात तो बहुत हो रही है आपसे, बात इच्छा मेरी इतनी हो रही कि मैं आपसे मिलूं, बात करूं। काफ़ी टाइम से आप लोगों को मिला नहीं हूं, देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जल्द मिलेंगे। तो बस ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये सब अपने दिमाग में फिट करके और मेरे सामने आना। अब ये जो और भी समझा रखा है, बात करते समय इसका यूज़ कहाँ करें, ये छोटा सा जो फर्स्ट क्लास के बच्चे जैसा दिख रहा है ये बता रहा है कि बात करते समय इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले एक तो आप याद करो कि अपनी और दूसरों की आदतें बताते समय, अपनी आदत बताएं या दूसरों की आदत बताते समय, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब चाय पीने की क्या है? आदत है। मैं टीवी देखता हूँ, टीवी देखने की आदत है। मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई करने की आदत है।
मैं खेलता हूँ खेलने की क्या आदत है। तो अपनी और दूसरों की आदत बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाय, अब इसको पहचानो कैसे, ता मतलब सिंपल, है मतलब प्रेजेंट। आई टेक टी, आई ड्रिंक टी, टेक क्यों आया, ड्रिंक क्यों आया, टैक्स क्यों नहीं आया, ड्रिंक्स क्यों नहीं आया, बाद में बताते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर कन्फ्यूज़न? एक तो क्या हो गया, अपनी और दूसरों की आदत बताते समय। तीसरा, दूसरा, हर रोज की घटनाएं बताने के बताते समय भी इसका यूज़ करते हैं। रोज कोई भी घटना होती है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ता मतलब प्रेजेंट, सॉरी सिंपल, और है मतलब प्रेजेंट, ये तो आप जानती हैं। अब देखो, वह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने की जो घटना है, जो काम है, वह हर रोज होता है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस जाने का, अब ये ही में गोज क्यों आए, ये आपको बाद में समझाते हैं। अभी आप ये फोकस कीजिए कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब एक तो हो गया कि अपनी आदतें बताते समय या दूसरों की आदतें बताते समय भी इसको यूज़ करते हैं। हर रोज़ की घटनाएं बताते समय भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाती है, रोज़ बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, रोज़ जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ। इनकी ये क्या है, हर रोज़ की घटना हो गई। अब तीसरा है कि कोई भी रीति पद्धति यानी कि मेथड, व्यवसाय यानी किसी का बिजनेस बताते समय, कोई भी अगर आप तरीका बता रहे हैं, तो जैसे किसी की रीति बता रहे हैं, तो जैसे एक एग्जांपल इससे समझिए, रमेश जोर से दौड़ता है, ये उसकी पद्धति है, रीति है, ये इसका सिस्टम है कि वो तेज़ दौड़ता है, वो जब भी दौड़ता है तेज़ दौड़ता है, रमेश रन्स फास्ट। अब ये रन में एस क्यों आए, इसकी चिंता मत कीजिए, ये मैं इसके बाद यही बताने वाला हूँ। अब आप तो ये देखिए कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रमेश रन्स फास्ट। तो पहला फिर से रिपीट कर लेते हैं, आदतें बताने के लिए, हर रोज़ की घटनाएं बताने के लिए, रीति पद्धति व्यवसाय बताने के लिए, और वैश्विक यानी कि ग्लोबल, जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व जुड़ रहा है, ऐसे जूंग टूंग सुनते ना, तो वैश्विक का मतलब क्या होता है, ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में। सांसारिक सत्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो संसारी सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, ये प्राकृतिक देन है कि लता मंगेशकर अच्छा गाती है, तो लता मंगेशकर को प्रकृति की क्या है, देन है। सचिन अच्छा खेलता है, तो सचिन को अच्छा खेलने की क्या है, देन है, ये बताते समय। और इसमें एक और चीज़ मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ, कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट में छपती है। ओके, तो जैसे तारे चमकते हैं, तो तारे चमकते हैं ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी लोग इसको जानते हैं, स्वीकार करते हैं। द स्टार्स शाइन और ट्विंकल, सी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल का मतलब क्या होता है, चमकना। ओके, तो अब ये तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो आपको पता चला, अब इसमें करना क्या है, आप हमारा पूरा जो स्पीकिंग कॉन्सेप्ट है वो 10 सब्जेक्ट पे चलेगा, इन्हीं 10 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वो 10 सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू यू दे हे शे एट राम श्याम, राम लता कुछ भी सेकेंड नेम में श्याम लूँगा। ओके, तो आई वी यू यू दे, ये तो किस में काउंट किए जाते हैं, प्लूरल में काउंट किए जाते हैं, यानी कि बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और बाकी जो बचे दे ही शी इट राम श्याम, ये सब थर्ड पर्सन है। लेकिन आपको अभी क्या है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और बाकी जो ये सब बचे हैं ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर जो सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो हमारे बीच में नहीं होता है। ओके, तो चलो आपको क्या ध्यान रखना, आई इसी तरह से आप लर्न कर लीजिए, आई वी
यू यू दे ही शी इट राम श्याम। अब इसको ट्रांसलेशन मेथड से लर्न कीजिए, कैसे? आई मैं वी हम यू तुम दे वे ही वह लड़का शी वह लड़की इट वह कुत्ता राम और श्याम। इस तरह से फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लर्न करना है आपको इसको। आई मैं वी हम यू तुम दे वे ही वह लड़का शी वह लड़की इट वह कुत्ता राम और लता। इस तरह से आप 10 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर दीजिए। पिछली बार आपको सभी स्टूडेंट्स को आती है ये 10 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। तब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर एक नियम लिखा हुआ है कि इंग्लिश के इस टेंस में ये सब तो क्या हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए आपके सब्जेक्ट हो गए। इन सबको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट यानी कि ये काम, और स्पीक क्या है, वर्ब है, ये एक्शन है, ये कौन करेंगे, ये जो सब्जेक्ट लिखे हो ये करेंगे। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश में टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस सफिक्स जोड़ना होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आई वी यू यू दे फर्स्ट फाइव और नेक्स्ट फाइव दो कैटेगरी है, तो फर्स्ट फाइव तो है आपके प्लूरल के काउंट होंगे और नेक्स्ट फाइव जो है वो सिंगुलर में आपके काउंट होंगे। तो इनके साथ तो जो मीनिंग आता है वही लगाया जाता है, लेकिन इसके मीनिंग में ये तो लिखने के बाद इसमें एस एडिशन कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो एस और एस उसमें या तो एस जुड़े या एस, दोनों में से एक चीज़ जुड़ती है। ओके, तो स्पीक में एस जुड़ जाएगा तो स्पीक्स हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई स्पीक, पीछे ता है निकालना है, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं। अब यहाँ पे ही स्पीक ना होगा, ही स्पीक नहीं हो के इसमें क्या एस लग जाए, क्योंकि यहाँ से ये सिंगुलर काउंट हो रहा है। अब जैसे सिंगुलर हुआ तो ही स्पीक नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना पड़ेगा, ही स्पीक्स बोलना पड़ेगा, नहीं तो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा। He speaks वह लड़का बोलता है, She speaks वह लड़की बोलती है, It speaks वह कुत्ता बोलता है, Ram speaks राम बोलता है, लता speaks लता बोलती है। यानी कि सिंगुलर फॉर्मेशन में हमें क्या एडिशन करना है, सिंगुलर में आपको एस लगाना ही है। अब इसको स्पीड में ऐसे बोलेंगे, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, श्याम लता स्पीक्स लता बोलती है। तो इस तरह से हमें क्या करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस होगी उतनी बार आपकी टंग शार्पन होगी। अब आपको मान लो कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको पढ़ना नहीं आया, तो यहाँ पे प्रोनंसिएशन वाला कॉलम भी हमने दे रखा है, आई स्पीक वी स्पीक यू स्पीक यू स्पीक दे स्पीक स्पीक्स शी स्पीक्स इट स्पीक्स राम स्पीक्स लता स्पीक्स। तो मेनली क्या है, अब इसका अर्थ क्या हो रहा है ये भी देखो, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, लता स्पीक्स लता बोलती है। तो इसका अर्थ क्या होगा ये भी इसमें बता रखा है। तो इस टेबल की आपको प्रैक्टिस करनी, ये अफर्मेटिव की टेबल हो गई। अफर्मेटिव में 10 सब्जेक्ट लेने हैं आपको, कौन कौन से 10 सब्जेक्ट, ये, और इनमें जो आई वी यू यू दे इनके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही शी इट राम लता कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ जाएगा। कहीं कहीं ई एस भी जुड़ता है, जैसे गो है तो गो में एस नहीं जुड़ता, ई एस जुड़ता है। एस ई एस कैसे जुड़ेगा ये आपको बताया जाएगा आने वाली क्लास में। ओके, तो एस ई एस हमेशा की आवाज़ जो आती है वो हमेशा सिंगुलर में आती है। ओके, ये स्पिक्स 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 इस तरह की जो आवाज़ आती है वो सिंगुलर में आएगी। ओके,
तो आपको इस टेबल की आज प्रैक्टिस करनी है, बार बार बिना देख के प्रैक्टिस करनी है, और ट्रांसलेशन मेथड ऐसा नहीं इंग्लिश ही बोलते रहो, हिंदी भी बोलनी है। कैसे? आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वे बोलते हैं, ही स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, लता स्पीक्स लता बोलती है। इस पर बार बार टंग को शार्प करनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश केवल आपके दिमाग में, जब तक टंग पर नहीं पहुँचेगी तो इंग्लिश का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो नीचे एक लाइन लिख रखी है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें लिख रखा है कर्ता, कर्ता यानी क्या हो गया? सब्जेक्ट। आपका होमवर्क यही है, आज इस टेबल को बार बार बोलनी है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस टेबल को, कैसे अलार्म के अंदर भी हमने भरा हुआ था, जो हर पीरियड स्टार्टिंग में अलार्म बोलती थी। ओके, तो जैसे यहाँ पे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, प्लूरेल यानी कि बहुवचन, अब बहुवचन में कौन कौन से आ रहे हैं? आई वी यू यू दे, एक यू तू है, एक यू तुम है, तो आई वी यू यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। देखो ये बात यहाँ पे बताइए, तो यही लिया, ये कि यही हमने फॉलो किया, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ स्पीक की हमने कौन सी फॉर्म ली? फर्स्ट फॉर्म ली। यही बात नीचे बताइए, आपको ध्यान रखना आई वी यू यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। उसके बाद क्या कहा ये, और जो सब्जेक्ट हमारे हैं दैट इज, ये जो आई ई लिखते हैं, आई ई इसका मतलब होता है फुल फॉर्म इसका होता है दैट इज, क्या होता है? दैट इज। अब ये क्या है? अब इनको आपको सीखना है, तो ये शॉर्ट में एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सिंगुलर में कौन कौन से आ गए? ही, शी, इट, राम, और कोई भी एक नाम ले लो, जैसे मैंने लता ले लिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ही, शी, इट, लता के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए सी एस एडिशन करना है, कि सफिक्स इसमें आपको जोड़ना ही जोड़ना है, यही बात इसमें कही गई है। तो देखो हमने जब भी ही शी इट सिंगुलर लिया, ये देखो आप, तो इन सब में ही के साथ स्पीक में एस जोड़ा, एस एस सब में एडिशन है, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक्स, लता स्पीक्स, ही स्पीक्स वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, श्याम लता स्पीक्स लता बोलती है, श्याम स्पीक्स श्याम बोलता है, कुछ भी आप ले लो सेकेंड ऑप्शन, कुछ भी, अगर शाम से प्रैक्टिस है तो वो भी ले सकते हैं प्रैक्टिस में। तो ये चीज़ें हमने ऊपर फॉलो भी की है। तो ये हमने ए सी एस सफिक्स, इसको क्या, पीछे जो जोड़ते हो उसको सफिक्स और आगे जो जोड़ते हो प्रीफिक्स। अगर ये एस यहाँ जोड़ रहे थे, सफिक्स एस यहाँ जुड़ता है, तो ये प्रीफिक्स, प्री यानी पहले फिक्स करना है, जैसे प्रत्यय उपसर्ग के नाम से जानते हैं ना ग्रामर के अंदर, और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, ये बात यहाँ पे कही है, मगर आई और यू ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन बहुत होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अपवाद बहुत होते हैं, आई का मतलब मैं होता तो एक है, सर आप कैसे बहुवचन मान रहे हो, नहीं ये एक्सेप्शन, यू मतलब तू, सामने वाला एक ही है, फिर भी इसको बहुवचन क्यों मान रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी दिख रहे हैं वो आपके प्लूरल में ही काउंट किए जाएंगे। ऊपर की टेबल में इट या सर्वनाम किसी एक वचन, प्राणी, छोटा बच्चा या निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें कैसे करनी है। तो फिलहाल आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इस लेक्चर में जो भी है, और ये जो भी हैं आपकी टेबल है, इस टेबल को बिना देख के आपको आनी चाहिए। स्पीक के बदले कोई नई वर्ब ले लो, जैसे मैंने ड्रिंक, या फिर आप ले लो राइट, आई राइट मैं लिखता हूँ, वी राइट हम लिखते हैं, यू राइट तू लिखता है, यू राइट तुम लिखते हो, दे राइट वे लिखते हैं, ही राइट्स वह लड़का लिखता है, शी राइट्स वह लड़की लिखती है, एट राइट्स वह कुत्ता लिखता है, राम राइट्स राम लिखता है, लता राइट्स लता लिखती है। इस तरह से कुछ भी आप सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं और अपनी लर्निंग को फास्ट बना सकते हैं। ओके, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस वन क्या होती है, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस है, और भी प्रैक्टिस टू क्या है, प्रैक्टिस थ्री क्या है, प्रैक्टिस फोर क्या है, जिसमें जोक्स भी दिए हैं। अब जोक्स पढ़ने से और जोक्स दूसरे दोस्तों को सुनाने से हमारी लर्निंग और भी फास्ट हो जाती है। तो आने वाली लेक्चर्स जो भी हैं उनमें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही,
गुड बाय एंड टेक केयर।